नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे बात करने वाले हैं मारुति फ्रोंक्स टर्बो ऑटोमेटिक के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका एक ड्राइव रिव्यू करके बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें इस गाड़ी की चलाने में खास हैं, कितना ये माइलेज देती है, सस्पेंशन कैसा है, ब्रेकिंग कैसी है, स्टेयरिंग फीडबैक कैसा है, हाईवे पर जब आप गाड़ी को चलाते हो तब क्या रिस्पॉन्स है गाड़ी का, सिटी में जब आप चलाते हो क्या रिस्पॉन्स है, कितना माइलेज देती है हाईवे और सिटी पे, सारी बातें यहाँ पे डिटेल्ड में इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पेसिफिक इंजन के बारे में, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है 1 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे पावर जो है वो प्रोड्यूस करता है। 3 सिलेंडर इंजन है लेकिन 1.2 लीटर से ज़्यादा इफेक्टिव है, और जो इसके साथ ये गेयरबॉक्स का यहाँ पे ट्यूनिंग करी गई है वो भी काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जर्क जो है वो बिल्कुल यहाँ पे ना के बराबर है। जब आप 1.2 लीटर AMT के साथ चलाते हैं तो वहाँ पे आपको जो गियर चेंज होने पे झटके लगते हैं वो यहाँ पे इस गियर बॉक्स में नहीं लगते हैं, स्मूथली यहाँ पे ये गियर जो है वो गाड़ी चेंज करती है। तो अभी मैं जो चला रहा हूँ ये इस गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट है, ऑन रोड कीमत इस वेरिएंट की लगभग 15 लाख रुपीज के आसपास है। इसके अंदर आपको 360 जो कैमरा है उसको ऑप्शन मिलता है, HUD डिस्प्ले आपको मिलती है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। अभी मेन बात ये आती है निकल के, देखो एक और फ्रॉन्क्स जो है वो वहाँ पे रोड पे अभी आपके सामने जा रही है। सबसे मेन बात निकल के ये आती है कि जब आप एक छोटी गाड़ी लेते हैं तो आप टर्बो की तरफ क्यों जाएंगे। देखो मेन बात ये है कि जिनको ज़्यादा पंची इंजन चाहिए, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे 0 to 100 वगैरह उस टाइम पर लोगों को थोड़ी सी गाड़ी क्विक चाहिए और ज़्यादा अच्छे गेयरबॉक्स को अगर वो चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है फ्रॉन्क्स की तरफ जाना बिल्कुल फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि माइलेज भी अच्छा खासा देती है। अभी भी आप देख सकते हैं 24.3 का माइलेज दे रही है लगातार, पिछले 23 किलोमीटर से मैं चला रहा हूँ ट्रिप ए में, आप देख भी सकते हैं गाड़ी को। तो ये माइलेज यहीं पे है इसका, सिटी के अंदर मैं चला रहा था अभी मोदी नगर टू गाजियाबाद, अभी मैं यहाँ पे एलिवेटेड रोड पे हूँ, तो काफ़ी अच्छे से गाड़ी जो है वो रेस्पॉन्स करती है। जब आप लाइट फुट पर गाड़ी को चलाते हैं तो काफ़ी अच्छा माइलेज भी देती है गाड़ी, 20 के आसपास माइलेज देती है, और जैसे ही आप हाईवे की तरफ आते हैं, जैसे एलिवेटेड रोड है यहाँ पे, क्या है कि गाड़ी अभी टॉप गियर में चल रही है तो कोई भी यहाँ पे माइलेज से रिलेटेड आपको हाईवे पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि गाड़ी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करती है। तो ये जो इंजन है ये क्विक है, 1.2 लीटर से ज़्यादा फास्ट है, और ये जो गेयरबॉक्स इसके अंदर है ये भी काफ़ी कमाल का है। यहाँ पे मेन बात आती है हम निकल के विजिबिलिटी की, तो देखो अभी विजिबिलिटी आप देख सकते हैं, मारुति की गाड़ियों की जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है, जो 360 कैमरा गाड़ी के अंदर दिया गया है उसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी सही है, और भी ज़्यादा अच्छा वो क्लैरिटी में हो सकता है। अभी जो इस गाड़ी के प्राइस हैं उसके अकॉर्डिंग वो अच्छे से काम करता है, कोई भी शिकायत उसमें नहीं है। स्टेयरिंग के रिस्पॉन्स की मैं बात करूँ, जैसे गाड़ी जो है वो हमारी 75-76 की स्पीड पर चल रही है, तो यहाँ पर भी गाड़ी का स्टेयरिंग में काफ़ी वेट आ चुका है। देखो आप, ये नहीं है कि गाड़ी का स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी का स्टेयरिंग अच्छे से काम करता है। जैसे ही पता चलता है कि हाँ आप हाईवे पे गाड़ी को अब चला रहे हो, भगा रहे हो, तो वहाँ पे स्टेयरिंग बिल्कुल भी ये नहीं है कि लाइट है और कॉन्फिडेंस नहीं रहता, स्टेयरिंग में वेट है इसके में, गाड़ी के में। सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो मैंने लोकल में काफ़ी चलाया गाड़ी को सिटी के अंदर, और सिटी में अभी हमारे यहाँ पर जो सड़कें हैं वो थोड़ी सी अभी ख़राब ही है, ज़्यादा अच्छी सड़कें नहीं हैं, तो वहाँ पे भी सस्पेंशन काफ़ी सही मुझे लगा। सस्पेंशन जो है वो आपका स्मूथर साइड पे ही गाड़ी का मैं कहूँगा रखा गया है, क्योंकि जब मैं लोकल में चला रहा था गाड़ी को तो लोकल की सड़कें हमारे यहाँ पे थोड़ी ख़राब ही हैं अभी, तो वहाँ पे गाड़ी ने स्मूथली जो है ग्लाइड करा उन गड्ढों पर, ब्रेकर्स पे, जो भी स्पीड ब्रेकर्स वगैरह होते हैं वहाँ पर, मुझे कोई भी शिकायत गाड़ी के अंदर नहीं महसूस हुई है, गाड़ी काफ़ी अच्छे से काम करती है। ब्रेकिंग जो है गाड़ी की वो भी अच्छी है, ब्रेकिंग में भी कोई शिकायत वाली बात जो है वो फ्रॉन्क्स के अंदर मुझे नहीं लगी। लेकिन हाँ, जो इसका 1 लीटर का इंजन है ना, इसके अंदर मुझे एक थोड़ा सा ये डाउट है कि जो AC है वो थोड़ा सा लेट इफेक्टिव है, मतलब AC काम अच्छे से करता है लेकिन उतना ज़्यादा क्विक नहीं है। मान लो आपकी गाड़ी धूप में खड़ी हुई है और आप आके बैठे और आपने AC चलाया, तो जैसे जो और 4 सिलेंडर इंजन है मारुति के 1.2, वो इससे ज़्यादा बेटर जो है वो रेस्पॉन्स करते हैं, थोड़ी देर बाद 10-12 मिनट बाद ये भी नॉर्मल कर देता है अंदर का टेम्परेचर, लेकिन 1.2 4 सिलेंडर जितना क्विक AC तो मैं इसको खैर नहीं कहूँगा। कंफर्ट की बात बताता हूँ, कंफर्ट मुझे गाड़ी का काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो सीट्स हैं गाड़ी की वो अच्छे साइज़ की हैं, कुशनिंग में कोई भी प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर नहीं है। जो इसकी सीट्स हैं वो टॉप वेरिएंट में भी आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे कि 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जो सनरूफ है उसका ऑप्शन नहीं मिलता है,
जब आप टॉप वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं और 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो सनरूफ यहाँ पे होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग। जो टच का रिस्पॉन्स है वो भी गाड़ी का काफी अच्छा है। म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी भी एक बार आपको चेक करा देता हूँ। तो ये म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी है, आवाज भी काफी अच्छी है गाड़ी की। सबसे जो खास बात मुझे लगी वो लगी इस गियर शिफ्टिंग की। गियर शिफ्टिंग गाड़ी की कमाल की है, कोई शिकायत मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। रात के टाइम पे भी मैंने गाड़ी चलाई, LED हेडलाइट्स मिलती हैं, हेडलाइट्स का रिस्पॉन्स भी काफी कमाल का है, कोई भी परेशानी नहीं है। मेन बात आती है, अब आपको बताता हूँ कि गाड़ी जैसे अभी देखो आप यहाँ पे, अब मैं इस गाड़ी को यहाँ पे 2000 RPM पे करता हूँ और आपको बताता हूँ कि 2000 RPM पे ये गाड़ी कितनी स्पीड करती है, ताकि आपको ये पता चले कि जब आप हाईवे करते हो तो हाईवे करते टाइम मान लो आप किसी लंबी जर्नी पे जा रहे हो तो उस टाइम पे आपको गाड़ी जो है वो 100 भी चलानी है और आपको माइलेज भी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी गाड़ी जब हाईवे रन करती है और टॉप गियर में रन करती है तो 2000 RPM पे क्या स्पीड देती है। तो आप देखो ये फ्रोंक्स यहाँ पे 2000 RPM पे जो है वो 100 की स्पीड पकड़ती है। ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे है कि 2000 RPM पे 100 की स्पीड पकड़ना, क्योंकि 100 तक की ही ज़्यादातर इंडिया के अंदर स्पीड लिमिट रखी हुई है और आपकी गाड़ी जब 2000 RPM के आसपास चल रही हो तो माइलेज भी देती है और आपका जो जर्नी है उसको भी मज़ेदार बनाती है। इंसुलेशन की बात करते हैं कि गाड़ी के अंदर जो है वो आवाज़ कितनी आती है, विंड नॉइज़ कितनी आती है या इंजन की आवाज़ कितनी आती है। देखो भले ही ये 1 लीटर इंजन हो लेकिन स्मूथनेस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सही है, वाइब्रेशंस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी फील नहीं होती हैं। मुझे अभी तक कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं हुई है जबकि ये गाड़ी जो है वो लगभग 7-8 हज़ार किलोमीटर अभी तक कम्प्लीट चल चुकी है। तो उस मामले में भी गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही बाहर की ज़्यादा आवाज़ आती है। इंसुलेशन वगैरह बहुत सही चीज़ यहाँ पे गाड़ी के अंदर दी गई है। तो मुझे लगता है अगर किसी को एक छोटी गाड़ी चाहिए, क्विक रेस्पॉन्स चाहिए और अच्छा गेयरबॉक्स चाहिए तो उसे मारुति फ्रोंक्स की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है, तो मेरी तरफ से तो हाँ है इस गाड़ी की, क्योंकि अगर मैं एक AC का पॉइंट छोड़ दूँ तो कोई भी परेशानी गाड़ी में नहीं है। थोड़ी देर बाद वो भी कूलिंग बढ़िया बरकरार कर देता है। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में यही था, ड्राइव रिव्यू के अंदर मुझे आपको ये छोटी छोटी बातें बतानी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।